बाप के मरने के बाद ही जिम्मेदारी के बोझ में दबे मोहम्मद इमरोज के सामने दो रास्ते थे। पत्नी और घर वालों का कहना था कि सही रास्ता पकड़ो, जो कमाकर लाओगे उसी में जी खा गुजर बसर कर लेंगे। वहीं दोस्तों ने जो रास्ता दिखाया उस राह में निकल पड़ा मोहम्मद इमरोज। नतीजा चोर उचक्का बन पुलिस फाइल में अपराध की कई गाथा लिखते चला गया। इस कांड का खुलासा आज तब हुआ जब आज पुलिस ने एक बार फिर मोहम्मद इमरोज को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक उम्दा किस्म का देसी पिस्तौल और जिंदा गोली मिली है। उसे गांजा चरस और दारू पीने की लत भी लग चुकी है। अब लोग उसे उसके नाम से कम नशेड़ी के नाम से ज्यादा पुकारते हैं। गिरफ्तार मोहम्मद इमरोज यह कबूल करता है कि उसे इस बात की तनिक भी भनक नहीं थी कि दोस्तों के चक्कर में पड़कर वह बर्बाद हो जाएगा। वह बेखबर था कि आस्तीन में सांप पलते हैं। सुने क्या बोले रांची के रूरल SP मोहम्मद नौशाद आलम और गिरफ्तार मोहम्मद इमरोज। रांची जिला के सुदूरवर्ती थाना क्षेत्र है चानो। एक सूचना आई थी सीनियर SP महोदय को और मुझे भी कि पकड़िया गांव है, वहां संदिग्ध रूप में एक व्यक्ति तालाब के पास बैठा हुआ है और वो अपने साथियों का इंतज़ार कर रहा है। उसके पास असलहा होने की जानकारी दी गई थी। इसी सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु चूँकि गणतंत्र दिवस का के लिए जो डिप्लॉयमेंट हुआ था रांची जिला में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, तो हमारी टीम अभी भी भ्रमणशील थी अपने क्षेत्र में। हमने थाना प्रभारी को और DSP साहब को मैंने वहाँ भेजा। विवेक जब गए तो इनको घेर कर एक आदमी की गिरफ्तारी हुई। स्थानीय लोग भी चूँकि पुलिस को वहाँ पहुँचने से उपलब्ध हो गए थे, उनके उपस्थिति में जब सर्च किया गया तो उनके पास से ये देख रहे हैं कि देसी तमंचा आपको बिल्कुल जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया गया है। और जो व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई उसका नाम मोहम्मद इमरोज रहने है, जो लातेहार जिला का रहने वाला है। पूछताछ करने के बाद उसने बताया कि मनसा तो इसका गलत था, ये कहीं से पिस्तौल लिया है अपने साथियों से, उसका इंतज़ार कर रहा था कि आने के बाद कहीं ना कहीं लूटपाट की योजना ही होगी थी। तो इसके पकड़े जाने से, चूंकि इसके ये पहले भी आपराधिक इतिहास इसका रहा है, जेल से भी हाल में ही 2 महीना पहले छूटा है, इसके पकड़े जाने से उस क्षेत्र में होने वाली घटना रुकी है। और इनके जो भी साथी हैं उनका नाम पता आ गया है हम लोगों को, हमको लगता है कि उनकी भी गिरफ्तारी जितना जल्दी होता है हो सके। पढ़ाई लिखाई कुछ किए हो? नहीं सर, बाप ने इंतकाल कर दिया सर, उसमें तो जिम्मेदारी दे दिया घर वाला लोग। कितना पढ़ा था उस वक्त? कितना पढ़े थे? मैट्रिक पास किया? नहीं पढ़े। अच्छा, पूरा नहीं किया, ठीक है। चलो, बाल बच्चा है? 3 बेटी है सर। अरे यार, बेटी करना चाहिए तुमको, ये सब काम क्यों कर रहा है? नहीं हम नहीं करते सर, दोस्त लोग जगह में। तो दोस्त लोग अच्छा अच्छा दोस्त के साथ रहोगे ना, खराब दोस्त के साथ कहाँ रहता है भाई? हुआ सर, तब गलती अगले बार से सुधरोगे सर, फिर वही काम करोगे? नहीं सर, सर भी कर जाएगा, मुझे गलत नहीं करेंगे सर। एकदम पक्का? पक्का सर, 3 बेटी है सर। चलो ठीक है, बढ़िया, चलो मौका मिलेगा सर, आइए समय देंगे हम। ठीक है, ठीक है। कोहराम लाइव के लिए रूपम की रिपोर्ट।